नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनकच्छ नगर सहित क्षेत्र में तहसीलदार जीएस पटेल के नेतृत्व में खाद्य विभाग और नापतोल विभाग टीम ने नगर सहित क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए क्षेत्र संचालित दुग्ध डेयरियों पर छापा मार कर कार्यवाही करते हुए सैंपल लिए। सोमवार को सुबह 9 बजे भौरासा फाटे के समीप पालीवाल दूध डेयरी और यादव दूध डेयरी पर छापे मार कार्यवाही करते हुए दूध व पनीर के सैंपल लिए और गंदगी पाई जाने की वजह से डेयरी संचालकों को फटकार भी लगाई, जिसके बाद सोनकच्छ नगर श्री दूध डेयरी पर भी कार्यवाही करते हुए दूध का सैंपल लिया गया। अचानक हुई कार्यवाही के कारण दुकानदार में हड़कंप मच गया। मिल्क से संबंधित बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनकी जांच की गई है। आज खाद्य एवं औषधि विभाग से श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी आए हुए थे और नापतोल विभाग से अधिकारी आए थे। हम राजस्व नापतोल विभाग और खाद्य औषधि विभाग की टीम द्वारा सोनकच्छ स्थित नेवरी फाटा से दौलत यादव की फैक्ट्री से सैंपल लेके जांच की गई है। इसके पश्चात पालीवाल फैक्ट्री है, ये अपने नेवरी फाटा से थोड़ी आगे, वहां पर कार्रवाई की गई है, सैंपलिंग की गई है। इसके अलावा सोनकच्छ में भी एक स्थान पर यहाँ अपना बस स्टैंड के पास कार्रवाई की गई है यादव जी के यहाँ। इसके पश्चात ये कार्रवाई सतत चलती रहेगी। अभी सैंपलिंग की गई है और सैंपलिंग में जो भी जांच के उपरांत जो भी स्थिति निकलती है उस तदनुसार कार्रवाई की। सोनकच्छ से ब्यूरो रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबर से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें।